हेलो स्टूडेंट्स, तो सबको आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो, सबको आवाज आ रही है? जरा फटाफट बता दे, सभी को आवाज आ रही है? तो ओके, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो रिवाइज सिलेबस है हमारा, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास की पहले बात करेंगे। ट्वेल्थ क्लास की बात करें तो देखो, आपको सबसे पहले cbseacademic.nic.in करना है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखो, ये तो आपको भी पता चल गया सिलेबस में क्या क्या कट हुआ है। एक बात बताओ, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी आपने ऐसे चैप्टर पढ़े ही नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि कौन सा चैप्टर था, क्या था। ऐसा तो नहीं कोई चैप्टर हटाया, चैप्टर तो हटाया नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक हटाए हैं। तो मैं पूरा एनसीईआरटी से कंपेयर करूंगा कौन सी एक्सरसाइज हटा दी गई है, कौन सी एक्सरसाइज हटा दी गई है, इस पर बात करेंगे। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने कुछ फोटोज देखी होंगी कि ये मैथ्स में सिलेबस हट गया है, इस तरीके से आपने देखा है, यस और नो? लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी पूरी एक्सरसाइज दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हटा है। जेई पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो अगर बात करें, ग्रुप ए पे जाएंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे रिवाइज मैथमेटिक्स पे, ठीक है? तो अब हम ट्वेल्थ क्लास पे इस पे जाएंगे, तो इसके टॉपिक देखते हैं, जरा इसके टॉपिक्स देखते हैं। ये आ गया ट्वेल्थ क्लास, ये आ गया हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, ये आ गया। जरा आप देखो इसको, जरा आप इसको देखें, ठीक है? पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी में। अब मैं आपको ले चलता हूं एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी में कहां क्या क्या चीजें, सारी चीज बताता हूं। अब मैं आपको एनसीईआरटी में ले चलता हूं। चलिए, पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, ये आ गया पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन, ठीक है? चलो अब कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, जरा सब लोग देख लें फटाफट, जरा सब लोग देख लें। देखो, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, वन टू वन और ऑन टू फंक्शन। अब आते हैं एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी में ये कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। इन पे आ जाते हैं। ये क्या, एक मिनट, कुछ अब आ जाते हैं थोड़ा एनसीईआरटी पे। ये है एनसीईआरटी हमारी, ये रिलेशन फंक्शन। तो आप देखोगे पहली जो एक्सरसाइज है, आप नोट करते जाना, आप लोग जरा जरा नोट करते जाना, पहली एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है किस पे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव पे। यानी कि ये एक्सरसाइज आपकी है अभी भी, यानी लिख लो, नोट कर लो, एक्सरसाइज 1.1 अभी भी है आपके कोर्स में। अगर मैं बात करूं 1.2 की, अगर मैं बात करूं 1.2 की, अगर मैं बात करूं 1.2 की, तो 1.2 जो है इसमें क्या है आपका, मैं बताऊं, 1-1 है और ऑन टू है। और आपको सिलेबस में क्लियरली दिख रहा है, कि आपको 1-1 ऑन टू पढ़ना है, 1-1 ऑन टू पढ़ना है, ठीक है? तो इसका मतलब है एक्सरसाइज 1.2 भी आपके कोर्स में है। लेकिन अगर मैं 1.3 की बात करूं, 1.3 में क्या है, फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन, मतलब इनवर्टिबल फंक्शन की बात होगी 1.3 में। तो 1.3 अब नहीं पढ़ना है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 1.3 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? 1.3 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया कि 1.3 एक्सरसाइज नहीं करनी है? यह 1.3 एक्सरसाइज जिसमें आपको फंक्शन का इनवर्स निकालना था,
तो इनवर्स ऑफ फंक्शन कोर से हटा दिया गया है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन कोर से हटा दिया गया है। तो ये चीज क्लियर होगी, 1.1 कोर्स में, 1.2 कोर्स में इनवर्स हट गया, और बाइनरी तो पहले से नहीं था, तो 1.4 तो पहले से ही कोर्स में नहीं था, तो आपको सिर्फ 1.1 और 1.2 करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि आपको 1.1 और 1.2 करना है। क्लियर है सबको? चलिए, ये चीज क्लियर होगी सेट। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर निपट गया, इस चैप्टर के बारे में जो डिटेल थी वो निपट गया। जो रिवाइज सिलेबस है, जो रिवाइज सिलेबस है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, यानी 1.1 एंड 1.2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो इसकी बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो सिर्फ डोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चलो सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड पे चलते हैं फटाफट, सेकेंड चैप्टर पे, सेकेंड चैप्टर ओपन कर लेते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहली जो एक्सरसाइज है, जो पहली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है डोमेन रेंज पे। किस पे बेस्ड है? डोमेन रेंज पे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, स्क्रॉल कर रहा हूं इसलिए आपके लिए, आप आराम से समझ लो। तो पहली एक्सरसाइज में जो डोमेन रेंज बता रखे हैं, पहली एक्सरसाइज में जो डोमेन रेंज बता रखे हैं, बस वही आएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं मिसलेनियस, सौम्य देखो जो क्वेश्चंस जिन एक्सरसाइज से हैं उनके जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस होंगे वो तो आएंगे ही, वो तो आएंगे ही, ठीक है। तो इसमें जो आपकी काम की एक्सरसाइज है वो सिर्फ है 2.1, यानी कि सेकेंड चैप्टर में सिर्फ 2.1 काम का है, क्योंकि इसी में डोमेन है, इसी एक्सरसाइज में डोमेन है, रेंज है, और क्या है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, इसी में है प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर। तो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज जो प्रॉपर्टीज वाला था वो नहीं होगा काम का, वो काम का नहीं है, ठीक है। ये करना है आपको सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिक्स पे, अब आते हैं मैट्रिक्स पे। तो मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज, एडिशन, दिस और इनवर्स भी निकालना है। अब मैं चलो आपको ले चलता हूं एक्सरसाइज की तरफ, जहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि एक्सरसाइज में कैसे पता लगेगा क्या क्या कोर्स में है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक्सरसाइज की तरफ। देखो, आपने जैसा कि सिलेबस में देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कोर्स में है, इसका मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज आपके कोर्स में है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपके कोर्स में है। मैं चलो ले चलता हूं फटाफट फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके कोर्स में, क्योंकि यहां पे ऑर्डर है, ये सब कुछ ऑर्डर ऑर्डर फाइंड आउट करने, तो ये सारी चीजें कोर्सेज में। मिसलेनियस फर्स्ट चैप्टर की, देखो मैंने बताया ना, जो जो एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में दे रखे होंगे उनके क्वेश्चन आपके जो मिसलेनियस में है वो आपको तो करने होंगे ना, टॉपिक वाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मिसलेनियस में मान लो चार क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो वो तो हमें करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कोर्स की है, ठीक है। सेकेंड में एडिशन सब्सट्रैक्शन है, वो भी कोर्स में है, ठीक है। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो सेकेंड एक्सरसाइज कोर्स की होगी, सेकेंड एक्सरसाइज कोर्स में है, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ कोर्स में था, ठीक है। और थर्ड एक्सरसाइज की बात करें, ट्रांसपोज भी कोर्स में है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज भी कोर्स में आपकी है, थर्ड वाली एक्सरसाइज कोर्स में आपकी है। जो फोर्थ एक्सरसाइज है, जो ये फोर्थ एक्सरसाइज है, ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये कोर्स से हटा दिया गया है, ये कोर्स से हटा दिया गया है, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी अब से, ठीक है। अब आपको ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे, जो आपको टफ भी लगती थी, जो आपको टफ भी लगती थी वो हटा दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? इनवर्स तो आपको करना है, यानी ये वाली एक्सरसाइज करनी है, और आप ये क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सब कुछ करना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो यहां पे यानी कि आपको सिंपल देखा है तो एलिमेंट्री वाला पोर्शन हटा दिया गया है, एलिमेंट्री रो वाला पोर्शन हटा दिया गया है जो आपको परेशान करता था, तो ये चैप्टर तो ये हो गया।
अगर बात करें फोर्थ चैप्टर की, अब बात करें अगर फोर्थ चैप्टर की यानी डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट में क्या है देखो, माइनर कोफैक्टर निकालना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंडिंग द एरिया, एरिया भी कोर्स में है, एडजॉइंट भी कोर्स में, इनवर्स भी है, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, सब कुछ कोर्स में है, तो हटा क्या, इसमें क्या हटा मैं आपको बता देता हूं। फोर्थ चैप्टर में क्या हटाया गया, बेसिकली फोर्थ चैप्टर में आपको बता दूं तो फर्स्ट एक्सरसाइज कोर्स में है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कोर्स में है आपके, फर्स्ट एक्सरसाइज कोर्स में है, फर्स्ट एक्सरसाइज कोर्स में जो आपको हटाया गया बेसिकली, वो हटाई गई है सेकेंड एक्सरसाइज, वो हटाई गई है सेकेंड एक्सरसाइज। अब सेकेंड एक्सरसाइज में क्या था, सेकेंड एक्सरसाइज में था प्रूफ वाले क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस। अगर आपने डिटरमिन कर लिया ट्वेल्थ वालों ने, तो मैं आपको बता दूं सेकेंड एक्सरसाइज जो है इसमें थे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, यानी थर्ड में आप फोर्थ चैप्टर में 4.2 एक्सरसाइज हट गई है, 4.2 एक्सरसाइज हटा दी गई है, प्रॉपर्टीज हटा दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन हट गए हैं और आपका यानी 4.2 एक्सरसाइज हटा दी गई है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आपको हटा दिए गए, क्लियर, और आपको जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन की बात करनी है, बाकी सब हटा दिया गया, बाकी सब हटा दिए गए, सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन वही सॉल्व करनी है जो जिनमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा, यूनिक सॉल्यूशन आप पढ़ लेना जिसमें किस किस में यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेनली अगर देखा जाए डिटरमिनेंट में जो हटा है वो आपका 4.2 एक्सरसाइज हटा दी गई। चलिए ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, फिफ्थ चैप्टर आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, तो इस पे चलते हैं। इसमें देखा जाए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी है ही आपका, कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेटिव, कॉन्सेप्चुअल एक्सपोनेंशियल, सब कुछ है। इसमें क्या हटा हुआ है बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको जरा ले चलता हूं फिफ्थ चैप्टर पे, फिफ्थ चैप्टर पे ले चलता हूं, इसमें कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई जरा मैं बता दूं आपको, इसमें सिंपल हटा हुआ है रेल रोलेस थ्योरम, आपकी एक 5.7 एक्सरसाइज है, एक 5.7 एक्सरसाइज है वो हटाई गई है, 5.8 हाँ ये 5.8 हटा दी गई है, ये एक्सरसाइज हटा दी गई है 5.8, तो आप नोट कर लेंगे 5.8 एक्सरसाइज आपको अब नहीं करनी है, बाकी सब तो आपको करना है, नोट कर लें 5.8 हटा दिया गया है रोलेस थ्योरम, ठीक है। चलिए ये इसमें इतना ही उठा हटा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स चैप्टर की, अब बात करते हैं सिक्स चैप्टर की, अब बात करते हैं सिक्स चैप्टर की, तो सिक्स चैप्टर में जाएंगे, तो सिक्स चैप्टर में टोटल, सिक्स चैप्टर की मैं बात करूं तो पहला जो सिक्स चैप्टर में टोटल 5 एक्सरसाइज हैं, टोटल 5 एक्सरसाइज हैं जिसमें पहली एक्सरसाइज हटा दी गई, जिसमें पहली एक्सरसाइज हटा दी गई, इसको कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज हटा दिया गया है, रेट ऑफ चेंज हटा दिया गया, पहली एक्सरसाइज हटा दीजिए, पहली एक्सरसाइज हट गई है हमारी, ठीक है। और दूसरा हमारा अप्रोक्सीमेशन हट गया है, अप्रोक्सीमेशन कौन सी एक्सरसाइज है, अप्रोक्सीमेशन है 6.4 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है 6.4 एक्सरसाइज पे क्लिक कर लीजिए कि ये हटा दिया गया, ये 6.4 जो एक्सरसाइज है जरा ध्यान से देख लो, ये है 6.4, ये एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है 6.4, क्रॉस कर दीजिए 6.4 पे, 6.4 पे क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, ये आपका हट गया। चलिए तो ये इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज हटा दी गई है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हटा दी गई है। अब बात करते हैं सेकंड बुक हमारी जो है, जिसमें इंटीग्रेशन से स्टार्ट होता है, जिसमें इंटीग्रेशन से स्टार्ट होता है, उसमें क्या हुआ है, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, तो इंटीग्रल पूरा पोर्शन है मेन, देखा जाए तो इंटीग्रेशन तो आपको पूरा वैसे भी करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई है, तो मैं आपको ले चलता हूं सीधे एक्सरसाइज की तरफ, कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई है मेनली। एक तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज हटाई गई है, कौन सी ये वाली, कौन सी एक्सरसाइज आपकी सेवन है ना, एट हो गई है, सेवन हो गई, ये 7.7 हटा दी गई है, 7.7 हटा दी गई है, ठीक है, 7.7 पे क्रॉस कर लें। और दूसरा दूसरा इसके आगे एक और एक्सरसाइज है, हाँ ये इसके आगे 7.8 है, इसके आगे जो 7.8 है ये भी एक्सरसाइज हटा दी गई है। तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन में हो गया, यानी सेवेंथ चैप्टर में ये सब हट गया है। समझ में आ रहा सबको? जल्दी मुझे कमेंट कर दें, जरा कमेंट कर दो, क्या आपको समझ में आ गया क्या क्या हटा दिया गया? 7.7 हटाया गया, 7.8 हटा दिया गया है, 7.7 हटाया गया, 7.8 हटा दिया गया है, ये चीज क्लियर है? जरा बता दो कमेंट करके, सबको क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद अगर बात करें इसका एट चैप्टर की बात करें, और सब कुछ है इसमें, ठीक है, एट चैप्टर की बात करें तो एट में अगर हम बात करें तो देखो एट में ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एट चैप्टर, लिखा क्या हुआ उससे समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व स्पेशली लाइन पैराबोला एरिया ऑफ सर्कल इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली रीजन शुड बी क्लियरली डेफिनेटेबल। मतलब आप जब क्वेश्चंस करोगे देखो इसमें दो ही एक्सरसाइज है, अगर इस चैप्टर पर एनसीईआरटी में आओगे तो सिर्फ दो एक्सरसाइज है वो भी मिक्स है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसमें आपको हटाने का कुछ नहीं है। बस हाँ ये है कि इसमें ये बोला गया जो भी लाइन और पैराबोला और सर्कल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पैराबोला का जैसे स्टैंडर्ड ये होता है तो ये रहेगा, सर्कल का स्टैंडर्ड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रहेगा। इलिप्स का ऐसे होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, बस यही आएगा, इनके अलावा कोई कर्व नहीं दिया जाएंगे, इनके अलावा और कोई कर्व नहीं दिया जाएगा, तो इतना ध्यान रखो। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं हटाई है स्पेशली, क्योंकि ये तो मिक्स क्वेश्चंस हैं, दो ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो इसलिए इस पे मैं नहीं आ रहा हूं कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई है। चलिए ये तो निपट गया, अब आगे आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको बता देता हूं क्या हटाया गया। एक तो डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन डिग्री ये सब बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन सेपरेबल मेथड है, होमोजीनियस है इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, दिस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप दिस दिस, ठीक है। तो मेनली क्या हटाया गया, मैं आपको एक्सरसाइज पे ले चलता हूं, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज पे ले चलता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक्सरसाइज पे ले चलते हैं आपको, तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो कोर्स में है, इसमें बात करूं तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो कोर्स में है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी कोर्स में है। अगर मैं आपको सेकंड में ले चलूं, सेकंड भी कोर्स में है, आपकी थर्ड एक्सरसाइज हटाई गई है, कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई है, थर्ड एक्सरसाइज, ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये थर्ड एक्सरसाइज हटा दी गई है, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये चीज हटा दी गई है, ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज 9.3 कोर्स से हटा दी गई है, इसमें जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक तो ये कोर्स हटाया गया है, ठीक है, और बाकी सब कुछ कोर्स में, होमोजीनियस कोर्स में ही है, पी वाई वाला भी कॉन्सेप्ट कोर्स में ही है, ठीक है। बस होमोजीनियस में क्या है, जब आप पढ़ोगे तो सिर्फ एक्स अपॉन वाई वाला फॉर्मेट लेना है, वाई अपॉन एक्स वाला फॉर्मेट कोर्स में एक्स अपॉन वाई वाला हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये चीज जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी के लिए इतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट बात करें वेक्टर 3D की, वेक्टर 3D की बात करें, नेक्स्ट बात करें वेक्टर 3D की, तो वेक्टर में आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन
लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे भी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में तो था, किसमें था, सप्लीमेंट्री में, तो वो वैसी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको यानी पूरी एक्सरसाइज करनी है। लास्ट में बात करूं 3D की, 3D में इन्होंने जो हटाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा था नहीं, तो आप ये मान लो 3D पूरी पढ़ रही है। एंगल हटाया भाई, पता एंगल तो एक फॉर्मूला है, एंगल तो एक फॉर्मूला है, वो किसी उसमें भी कोई ऐसे मैं नहीं कहूंगा कोई पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज हटा दी गई, नहीं सारी एक्सरसाइज है उसमें कहीं एक दो क्वेश्चन है एंगल निकालने के, बस वो हटाए गए हैं, बाकी सब कुछ है 3D में, ठीक है। और बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में भी दो एक्सरसाइज हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में दो एक्सरसाइज हैं, उसमें भी कोई पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज हटाई नहीं गई है, बस हाँ टॉपिक कौन सा हटाया गया जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे कर्व हमारे बनते हैं, जब हमारे कर्व बनते हैं तो एक बाउंडेड होता है एक अनबाउंडेड बनता है, ये अनबाउंडेड होता है, तो ये वाला पोर्शन हटा दिया गया, तो उसके तो क्वेश्चन बीच में एक दो आपको मिलेंगे, उसके क्वेश्चन तो आपको एक दो बीच में मिलेंगे, तो पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज नहीं हटी है, बस उस टाइप का क्वेश्चन हट गया अनबाउंडेड वाला, तो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अनबाउंडेड क्या होता है, ठीक है। और बात करें अगर प्रोबेबिलिटी की, हाँ तो इसमें जरूर मैं बता सकता हूं कि कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई है, इसमें जरूर बताया जा सकता है, लास्ट चैप्टर जो है उसमें जरूर बताया जा सकता है कौन सा हटाया गया है प्रोबेबिलिटी में, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपका जो कोर्स में है सिर्फ कितना है, मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे ये 13.1 एक्सरसाइज हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इसी में आ जाएगी, इंडिपेंडेंट 13.2 एक्सरसाइज हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम ये 13.3 एक्सरसाइज हो जाएगी, रैंडम वेरिएबल 13.4 एक्सरसाइज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बस 13.4 में भी आधा है, मतलब हाफ पोर्शन है, सिर्फ हाफ पोर्शन, क्योंकि इसमें ही आपका फोर्थ एक्सरसाइज में, मैं आपको दिखाई देता हूं क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया फर्स्ट एक्सरसाइज ये 13.1 कोर्स में, 13.2 कोर्स में, 13.3 में क्या कोर्स में नहीं है मैं वो बता देता हूं आपको, बाकी आप समझ लेना 13.3 तक तो पूरा है, 13.3 तक तो पूरा करना है, 13.4 में क्या चीज है क्या चीज नहीं है वो बता देता हूं आपको। ये है 13.4, ये 13.4 एक्सरसाइज, तो शुरुआत के सारे क्वेश्चन करने हैं, रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फोर्थ क्वेश्चन भी करना है, फिफ्थ भी करना है, यहां तक सारा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, लाइट यहाँ पे कट गई थी तो इस क्रम से हो जाता है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा था ये जो 13.4 एक्सरसाइज थी कहाँ तक आपको करना है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक करने हैं जहाँ से मीन स्टार्ट हो जाएगा, मीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अभी नहीं है मीन, ये क्वेश्चन नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है मीन, इसके बाद से नहीं करना, यानी 13.4 एक्सरसाइज की बात करूँ, 13.4 एक्सरसाइज की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है, और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज है 5, 6 वो सब कोर्स से बाहर है, वो सब कोर्स से बाहर है, क्लियर है। तो 13.4 का जो वो चीज है वो कोर्स है, तो 13.4 की वो चीज कोर्स से हटा दी गई है, आपको सिंपल बस 3 एक्सरसाइज करनी, चौथी के 9 क्वेश्चन, बाकी सब हटा दी, ठीक है। तो आइए आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो में और हम बात कर लेंगे, फिलहाल आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कौन कौन सी एक्सरसाइज कैंसिल हो गई है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।